लेट्स बिगिन। सो क्या बेसिकली अपने पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ओके, जिसका सेंट्रोइड ओरिजिन पर है, जिसका सेंट्रोइड ओरिजिन पर है, ठीक है। अच्छा, तो मान लो सेंट्रोइड क्या होता है, मीडियन का मीडियन पे लाई करता है, 2:1 रेशियो पे डिवाइड करता है, है ना, ठीक है। मान लो दिस बी सेंट्रोइड जी, और उसका एक साइड दे रखा है, मान लो यही साइड है, मान लो आप कोई भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेट दिस साइड बी x plus y, जनरल फॉर्मेट में लिखूंगा -2, 0। लेकिन पूछा क्या उन्होंने, इन सर्कल और सर्कम सर्कल पूछा। इन सर्कल सर्कम सर्कल के लिए पहले आपको रिमेंबर सेंटर रेडियस, क्या सेंटर है क्या अपने पास ऑलरेडी, क्या डू वी हैव सेंटर ऑलरेडी? यस, व्हाट इज दैट, सेंट्रोइड इटसेल्फ, वेरी गुड। रिमेंबर इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे साइड इक्वल, इक्विलैटरल ट्रायंगल में इन सेंटर सर्कम सेंटर सेंट्रोइड ऑर्थो सेंटर सभी के सभी कोइंसिडेंट होते हैं। इसका मतलब यही खुद आई बी है और यही खुद एस बी है, इट्स एवरीथिंग, है ना। बस आप लोगों को फोकस करना है कि आर और कैपिटल आर ढूंढने में आप लोगों को फोकस करना है, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि ये आई होता तो दिस इटसेल्फ इज स्मॉल आर, इजंट इट, माने स्मॉल आर इज एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑन टू दिस लाइन, सो आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एज सिंपल एज दैट। तो मॉडुलस ऑफ -2/√2, माने √2 है ये, है ना, √2/√2 व्हिच इज √2। अच्छा, और हम जानते हैं कि कैपिटल आर का क्या रिलेशन है आर के साथ, याद है ये वाला कैपिटल आर होता है ऊपर वाला, वो इसका डबल होता है, रिमेंबर, तो कैपिटल आर इज 2 √2, सिंपल है। नाउ यू डोंट नो हाउ टू फाइंड इन सर्कल, इन सर्कल का इक्वेशन इज x - h² + y - k² = √2² और सर्कम सर्कल का x - h² y - k² = √2² या सिंस सेंटर इज एट ओरिजिन आप स्टैंडर्ड फॉर्म भी अप्लाई कर सकते, ठीक है। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन दिस वन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, याद है हमने यही क्वेश्चन पहले भी किया था, लेकिन वहां वी वर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग हाइट, स्मॉल आर कैपिटल आर, हाइट एंड एरिया। तो रिमेंबर यहां हाइट जो है वो आर प्लस आर होता है, माने 3 times smaller, 3√2, और एरिया के लिए हमने एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था, h² / √3, रिमेंबर, एनीवे फाइन, वो सब ठीक है, क्योंकि इस पे भी हम बात करेंगे अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है अपना, ठीक है। टू वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर एट -a, 0, ये कैपिटल ए है और ये है कैपिटल बी, a, 0, अच्छा, जबकि a पॉजिटिव है, एंड इट्स थर्ड वर्टेक्स लाई अबव एक्स एक्सिस, थर्ड वर्टेक्स का ऊपर है, क्या बेसिकली रिमेंबर इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्लियरली ये दूरी a है, ये दूरी a है, तो आपके पास ऑटोमेटिकली साइड है व्हिच इज 2a, ठीक है। और सिमेट्री के हिसाब से ये इसका मीडियन या बाइसेक्टर एंगुलर एक्सेट्रा सब 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 कुछ है y एक्सिस, तो उसका क्लियरली a वर्टेक्स y एक्सिस पर रहेगा, एक्चुअली दो होंगे, नीचे की तरफ भी होगा, लेकिन उन्होंने बोला कि थर्ड वर्टेक्स ऊपर की तरफ है। रिमेंबर सिंस इट इज ऑन y एक्सिस, x कोऑर्डिनेट 0, एंड रिमेंबर y कोऑर्डिनेट इज एक्चुअली हाइट, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इट्स इटसेल्फ इज इट्स y कोऑर्डिनेट। रिमेंबर ये सब शॉर्टकट ट्रिक है, h इज √3/2 टाइम साइड, साइड कितना है इसका 2a, 2 कटेगा, तो h इज √3a, ठीक है। तो ठीक है, अभी इसका अभी वो फाइन क्या करना है, इन सर्कल और सर्कम सर्कल का इक्वेशन, तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत है, सेंटर्स की, सेंटर्स से दोनों का सेम और रेडियस का। अच्छा, इसका सेंटर का मतलब सेम इसके हिसाब से, क्या इसका सेंटर खुद क्या सेंट्रोइड निकाल से हो जाएगा, है ना, सेंट्रोइड निकाल से हो जाएगा, रिमेंबर सेंट्रोइड इटसेल्फ इज सेंटर, तो सेंट्रोइड निकालेंगे पहले हम, व्हाट विल इट बी, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये वाला 1/3 ऑफ ये वाला होता है, ये वाला इस 1/3 ऑफ ये वाला,
ऐसे भी कर सकते हैं आपका मर्जी, क्योंकि ऑलरेडी एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो है ही। रिमेंबर ये वाला स्मॉल आर, ये वाला कैपिटल एच है, तो ये इसका वन थर्ड होता है, तो वन थर्ड ऑफ एच, तो स्मॉल आर इज वन थर्ड ऑफ एच, स्मॉल आर इज ए बाय रूट बी, तो कैपिटल आर कितना होगा 2a by root 3। ये सब पता होना चाहिए अपने को, है ना, क्योंकि फिगर में सब कुछ लिखा हुआ है 2:1 रेशियो, तो पूरा का इसका बनता है ये 2/3, तो ये a by root 3, ठीक है। सो सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सब कुछ सेम है, विच इज 0, a by root 3। बस अभी उसका इक्वेशन निकालना है अपने को, बस दैट्स द ओनली थिंग लेफ्ट टू डू। So, equation of incircle से x minus h का whole square plus y minus k, sorry ये वाला is equal to r का square a by root 3 का whole square। आप इसको general format में convert कर सकते हैं, ठीक है, expand करके x, और circumcircle शायद से अपना जे मेन सेक्शन में है, सर्कल्स वर्कशीट में दोनों का सेंटर सेम है, रिमेंबर, है ना, ये इन सर्कल होता है, ये इन सर्कल होता है, ये सर्कम सर्कल होता है, रिमेंबर, इज इक्वल टू 2a/√3 का, रिमेंबर गाइस, थर्ड वर्टेक्स निकालने का एक फॉर्मूला भी है अपने पास, वी डू हैव अ फॉर्मूला एज वेल, सो प्लीज रिकॉल this formula on your own, है ना, मैं x coordinate का बता दूंगा, x1 plus x2 plus minus root 3 into y1 minus y2 upon 2, right? तो आप y coordinate recall कर सकते हो, so please verify this and use this formula to identify the other two vertices, ठीक है, तो it would be nice if you can do that, ठीक है, तो guys equilateral triangle में small r, capital R, h, साइड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो प्लीज कीप ऑल ऑफ दैट इन माइंड, राइट। ये क्वेश्चन नंबर, एरिया ऑफ, सॉरी, फाइंड एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, inscribed in the circle x square plus y square plus 2gx तो दीज टू आर लेजेंडरी क्वेश्चन है। अच्छा 16 क्वेश्चन रिसेंटली 2021 में आ चुका है, ठीक है, 2021 दिस ईयर। सो रिमेंबर गाइस, एक सर्कल है, सर्कम, एक सर्कल है, इसके अंदर
इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड माने अंदर ड्रॉ किया गया है, जस्ट अभी 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 बात कर चुके हैं रिमेंबर, जस्ट नाउ वी डिस्कस कि यस ये कैपिटल आर भी होता है स्मॉल आर भी, सॉरी ये एस होता है या सी भी होता है, ठीक है एस या सी जो भी, ये सर्कम सेंटर है क्योंकि ये सर्कम सर्कल है इस ट्रायंगल का, राइट। टू फाइंड एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल रिमेंबर वी ईदर नीड इट्स साइड और वी नीड इट्स हाइट, है ना। अब देखो अब आपको हाइट वाला फॉर्मूला भी याद रखना, साइड या हाइट चाहिए आपको। नाउ गाइस रिमेंबर दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये है अपने पास आर है, डू वी हैव आर, क्या आर है क्या, आर तो रेडियस है इसका क्योंकि आर इज रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, दैट्स इट इज़ इट। तो गाइस रिमेंबर इन इक्विलैटरल ट्रायंगल स्मॉल आर इज हाइट का 1/3 होता है और कैपिटल आर हाइट का 2/3 होता है, सिंस एंड रिमेंबर आर इज 2 टाइम्स राइट। सो हम डायरेक्टली हेच निकालेंगे यहां से, सो हेच इज 3r/2 इनटू आर व्हिच इज रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस, सो देयरफॉर एरिया कितना होगा इसका स्क्वायर है अपॉन रूट थ्री, रैशनलाइज करो इनटू रूट थ्री अपॉन रूट थ्री, तो ये 3 होगा और ये 3 3s है, तो आंसर आएगा 3√3/4 इनटू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है अ वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। अच्छा इसमें एक और चीज, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल से पहले फाइंड रेडियस, इक्वेशन ऑफ सर्कल आल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यू नो व्हिच कुड बी आस्क्ड। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन है। देखो अपने पास सर्कल है जिसका सेंटर भी दे रखा है 2,1 और एक टेंजेंट है, वी हैव अ टेंजेंट राइट। अच्छा क्या हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, क्या कैन वी फाइंड रेडियस, क्या जानते हैं हम टेंजेंट सेंटर और रेडियस के बारे में, 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है। रिमेंबर रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, isn't it? माने रेडियस जो है वो कुछ नहीं है, रेडियस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑन टू टेंजेंट, सो सिंपली रेडियस इज डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इट इज 6 + 4 - 5/5 √a² + b² 5 to 5/5 which is simply 1 unit, nice good question। So simply equation of circle kya hoga, x minus h ka whole square y minus k ka whole square is 1 ka square। Kya hum point of contact bhi find kar sakte hain, ha how do you find point of contact, yes foot of the perpendicular, very good। To find point of contact all individuals keep find foot of the perpendicular, ye bahut hi important concept hai na, hum probably 2-3 concept ke baad will come to this condition for tangency point of contact wale bahut important concept hai wahan karenge। So now we gonna write a note, very important note, is question ko thoda sa ghuma ke puchna hai ki aapke paas circle ka equation hai mane center hai radius hai sab kuch, एक लाइन दे रखा है, एक लाइन है, क्या अगर आपको पूछा गया है कि वो लाइन सर्कल का टेंजेंट है कि नहीं, कैसे वेरीफाई करोगे? एग्जैक्टली यस 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 यस, सो यू विल फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे रेडियस का मन चल रहा है, लाइन है सर्कल है, तो ये लाइन थोड़ी ना है अपने पास, अब ये डिस्टेंस है आपके पास, ये डिस्टेंस है आर, तो आपको क्या फाइंड करना होगा, वी ऑल्सो हैव टू फाइंड
ये क्या, ये क्या क्या है, व्हाट इज दिस? अरे भैया ये आर इसलिए है क्योंकि वो टेंजेंट है, ये हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने निकाला वो इक्वल टू आर क्यों किया, क्योंकि वो टेंजेंट था, लेकिन उल्टा है। अब ये टेंजेंट है कि नहीं नहीं जानते ना, तो कैसे पक्का करोगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि आर से इक्वल होता तो टेंजेंट है, अगर आर से इक्वल नहीं होता तो टेंजेंट नहीं है, सिंपल सी बात है ना। नोट लिखना है, अ लाइन एल इज टेंजेंट टू सर्कल इफ, देखो आई डबल एफ, इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है ना, फ्रॉम सेंटर ऑन टू एल, बहुत ही काम की चीज है। एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ सेंटर ऑन एल, बहुत काम की चीजें हैं, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 18 पे, क्वेश्चन नंबर 18 टिपिकल एडवांस क्वेश्चन है, टिपिकल आते क्वेश्चन नंबर 18 पे, ठीक है। यू हैव बीन गिवन टू लाइंस और उन्हें बताया कि दो टेंजेंट्स है अभी आपके पास, अरे वाह बढ़िया डबल दबा, लेकिन दो टेंजेंट्स है लेकिन क्या नहीं है आपके पास, क्या दो दो टेंजेंट की क्या जरूरत है ना? देख आपके पास दो टेंजेंट है लेकिन व्हाट इज इट दैट वी नोटिस फ्रॉम दिस टू टेंजेंट्स? हाँ वेरी गुड, तो दो पैरेलल टेंजेंट्स है अपने पास, अच्छा तो ये वाला और ये वाला, इज इट, दो पैरेलल टेंजेंट्स है, फाइन। तो दो पैरेलल टेंजेंट्स से क्या फाइंड कर सकते हैं, व्हाट कैन बी फाउंड, डायमीटर इज इट, आर फाइंड कर सकते हैं, वेरी गुड। तो रिमेंबर पैरेलल इनके बीच का डिस्टेंस दूरी डायमीटर होता है, वेरी सिंपल। तो फर्स्ट वी फाइंड डायमीटर, सी वन माइनस सी टू 41 होगा, क्या पकड़ी नहीं किया, लेट मी चेक, इतना डेंजरस क्यों है, ठीक है जाना, क्या फर्क पड़ता, कौन सा तो होता कुछ 11 प्लस 14 हो जाएगा, चलो बता दो नंबर से क्या मतलब, कॉन्सेप्ट डी इज अपॉन 5 होगा, ये सही है, ये डायमीटर है, तो रेडियस कितना होगा, रेडियस इसका आधा 45 बाय, सिंपल है, पहला ठीक है। क्या इसका सेंटर फिक्स है क्या, हाँ 41 बाय 45 बाय, अरे हाँ 41 बाय 10, अच्छा ओके एनीवे क्या सेंटर फाइंड कर सकते हैं? अच्छा आपने नोटिस किया, मैंने पूछा लोकस निकालो, भैया सेंटर तो फिक्स देना, क्या सेंटर फिक्स नहीं है इसका, क्या सेंटर मूव हो रहा है, कहाँ मूव हो रहा, पक्का श्योर है? नाउ गाइस रिमेंबर यहां सर्कल एक नहीं है, इनफिनिटी मेनी सर्कल्स है, देयर आर इनफिनिटी मेनी सर्कल्स व्हिच आर पॉसिबल, माने आप सर्कल को मूव कर सकते हो, माने सेंटर फिक्स नहीं है, लेकिन सेंटर का जो लोकस है शायद से आप लोगों को स्ट्राइक हो गया होगा, और नहीं वो एक स्ट्रेट लाइन है, देखो इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, पक्का वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाया है, अच्छा वो स्ट्रेट लाइन ऑब्वियसली इन दोनों से पैरेलल, तो इसके जैसा ही दिखेगा, और हम जानते हैं इसका कांस्टेंट टर्म कैसे निकालते हैं, याद है एवरेज ऑफ इन दोनों का कांस्टेंट टर्म्स, तो इसका कांस्टेंट टर्म इज सी वन प्लस सी टू बाय टू, कितना होगा माइनस 41 बाय, सॉरी सॉरी माइनस 21 बाय 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 6y माइनस 21 इज इक्वल टू 0, अच्छा तो लोकस भी मिल गया अपने को सेंटर का, नाइस गुड कूल। अब ये फाइंड क्या करना है, और ट्राई हो गया मेरा दिमाग बेहद, हाँ इक्वेशन ऑफ सर्कल, अच्छा
लेकिन रिमेंबर इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए सेंटर की जरूरत है, लेकिन सेंटर तो नहीं है आपके पास, सेंटर है क्या? सेंटर नहीं है ना? अच्छा, सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन। अच्छा बढ़िया, अब सेंटर ओ वाले लाइन पे भी लाई कर रहा, तो बहुत ही सिंपल है क्या ये, इस पे इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिव्स यू सेंटर है ना। अब गाइस रिमेंबर, अगर सेंटर इस पे लाई करता तो हमारे सर्कल फिक्स हो चुका है, इज इट, क्योंकि एक ही ऐसा सर्कल होता है जिसका सेंटर इस लाइन पे लाई करता है। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड y -2x इसमें डालो, 8x + 12x = 21, 20x is 21, x is 21 by 20, पक्का क्वेश्चन गलत है, पर ठीक है, नहीं नंबर्स इसके साथ करें, नॉट एन इश्यू। x 21 by 20 इसमें डालो, y कितना आएगा? इसका डबल, minus 21 by 10, x इसमें डालो, तो फाइनली इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x minus h, कहाँ 19 पर? अभी भी ये 19 है क्या? ये 19 है ना? अच्छा, और क्या गड़बड़ हुआ फिर अभी? बस ये 21 की जगह 19 है ना? 90 और ये 90, ये भी 19 है ना? तो ये x minus h का होल स्क्वायर प्लस y minus k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, 41 by 10 का होल स्क्वायर। ये देखो बहुत ही डेंजरस सर्किट का इक्वेशन है, और बहुत ही डेंजरस इक्वेशन निकलेगा सर का। ठीक है, एनीवे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। वी वर गिवन टू पैरेलल टेंजेंट्स, तो उनके बीच का डिस्टेंस डायमीटर होता है ना, ये 10 स्टैंडर्ड में था, इसका आधा रेडियस होगा। फिर रिवर्स ऐसे इंफिनिटी मेनी सर्कल्स पॉसिबल, बस एक सर्कल में उन सभी का लोकस निकालना है जो दोनों का पैरेलल है। फिर अगर एक और इक्वेशन दे रखा है जिसके सेंटर लाइन करता है, उससे क्या हो गया, उससे हम निकाल लिए सेंटर, सेंटर रेडियस है तो सेंटर रेडियस को हम अप्लाई किया। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर कितना था ये? 19 पक्का, क्योंकि मुझे ना इधर भी 18 इधर भी 18 दिखा, एक बार चेक कर, पक्का है ना? ओके, नाउ दीज आर गोइंग टू बी टू गुड है ना, एक्सेलेंट क्वेश्चंस, लेट्स सी। If vertices of a triangle are a 2 plus cos pi by 4, 2 plus sin pi by 4, b 2 plus cos pi by 3, 2 plus sin pi by 3, c 2 plus cos pi, 2 plus sin pi, then find circumcenter, then find S and R of triangle ABC. Very very nice question. You all you need is 10 seconds to solve this question. A similar question based on this. Same funda, a vertices is A cos theta 1, sin theta 1, B cos theta 2, sin theta 2, and c cos theta 3 sin theta 3, then find first s, second g, third h of triangle ABC. Okay, I see, ये देखे, इनको देख के कुछ स्ट्राइक हो रहा है, इनको देखिए कुछ स्ट्राइक हो रहा है, यस यस, पैरामेट्रिक फॉर्म आपने नोटिस किया है, ये कौन सा फॉर्म में है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ h + r cos थीटा,
ये कौन सा फॉर्म में है, k प्लस आर साइन थीटा। देखो इनके फॉर्म में है, वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब बस द ओनली डिफरेंस इज कि तीनों इसमें थीटा अलग है। ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि थीटा अलग होता तो पॉइंट्स बदलेंगे सर्कल पे, माने एक्चुअली ये तीनों भी पॉइंट्स एक सर्कल पे है, ऑन द थ्री पॉइंट्स और ऑन अ सर्कल, पर्टिकुलर सर्कल हूज क्लियरली यू सी सेंटर इज h, k माने सिंपली 2, 2 सो s इज 2, 2 और रेडियस इज r cos थीटा, r की वैल्यू है 1। सिंपल है, एज सिंपल एज सच। दिस इज एन एक्सीलेंट क्वेश्चन है ना, कि आपने नोटिस किया है कि ये तीनों की तीनों पॉइंट्स पैरामेट्रिक फॉर्म में है, सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म में है, h plus r cos थीटा, माने तीनों भी पॉइंट्स एक सर्कल पे होंगे जिसका सेंटर h, k रेडियस r है। सेम हियर एज वेल, यहां देखो h plus r cos थीटा k plus r sin थीटा के फॉर्म में है, लेकिन h, k 0, 0 है, एज सिंपल एज दैट। इसका सर्कम सेंटर 0, 0 है, रेडियस है 1। क्या सेंट्रोइड तो फाइंड कर ही सकते हैं? सेंट्रोइड क्या क्या बनेगा? सेंट्रोइड समेशन है। देखो मैं कैसे लिखूंगा, समेशन चलेगा, समेशन रिमेंबर हाउ डू फाइंड सेंट्रोइड, एवरेज cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 अपॉन 3 एंड सो ऑन। अभी क्या अपने को ऑर्थो सेंटर निकालना है? क्या कोई रिलेशन है क्या इनके बीच में? रिमेंबर व्हाट वाज द रिलेशन, हां द रेशियो होता है 2:1। अच्छा ये हम नहीं जानते, सेंट्रोइड जानते हैं, सर्कम सेंटर इज 0, 0 सेंट्रोइड है ये वाला, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऑर्थो सेंटर क्या होगा, तो ये देखो g के वर्टाइसेस आर 0 x by 3 0 y by, सही है। और सेंट्रोइड में भी देखो नीचे में 3 है, तो ये 3 और ये 3 कटेगा, तो क्लियरली x इज नथिंग बट समेशन cos थीटा 1 एंड y इज समेशन sin थीटा 1। ये हो गया ऑर्थो सेंटर के वर्टाइसेस, सॉरी ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एंड नीडलेस टू से दैट दिस क्वेश्चंस वर ऑलरेडी आस्क्ड इन एडवांस। अब नोटिस कर रहे हैं हम स्ट्रेट लाइंस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे कांसेप्ट यूज कर रहे हैं, इजंट इट? यस। दिस विल क्वेश्चन नंबर 20 राइट ऑन। If a square is inscribed in circle x square plus y square minus 6x minus y is equal to 0 in such a way that its sides are parallel to coordinate axis, then find vertices of square. Very, very, very nice question. Again asked in mains. With this, we'll wind up this lecture. Both are excellent questions. देखो ये सारे के सारे अभी जो भी questions हम ये lecture में discuss किए हैं वो बहुत 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 important है. So please make sure that you do this lecture properly. वैसे भी सारे करते हैं आप लोग. Anyway, क्या ये circle है ना? ठीक है. मान लो ऐसे एक random circle draw कर लिया मैंने. ठीक है. अच्छा रिमेंबर सर्किल का मतलब इमीडिएटली सेंटर रेडियस,
सेंटर क्या है उसका, 3,4, और उसका रेडियस क्या है, 5, राइट। अब उन्होंने ये बताया कि इसमें इनफाइनिटी मेनी स्क्वायर्स को हम इंस्क्राइब कर सकते हैं, बहुत सारे स्क्वायर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं इसमें, लेकिन वो क्वेश्चन वाले जो पूछा है कि कौन सा स्क्वायर में इंटरेस्टेड है हम, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस वाला स्क्वायर, टू साइड्स आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, माने स्क्वायर ऐसा बनेगा, इज इट का राइट, साइड्स आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस राइट। नाउ आपने नोटिस किया है, ओके, नाउ गाइस रिमेंबर, ये ऑलरेडी आप लोग 10th या 9th में कर चुके हैं कि उनका जो डायगोनल है, उनका जो डायगोनल है वो डायमीटर होता है स्क्वायर सर्कल का, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज डायमीटर ऑफ सर्कल। नाउ द पॉइंट इज कि ये दूरी हम जानते हैं विच इज हाउ मच, 5, ये दूरी भी हम जानते हैं विच इज 5, वेरी इंटरेस्टिंग कि आपको ये पॉइंट्स है 5 यूनिट ऊपर गया तो एक वर्टेक्स मिलेगा, मान लो ए बी सी डी, 5 यूनिट ऊपर की तरफ गया तो ये वाला वर्टेक्स मिलेगा, 5 यूनिट नीचे की तरफ आया तो नीचे वाला वर्टेक्स मिलेगा। अच्छा तो ये ऊपर नीचे जाने के लिए अपने को ना इंक्लिनेशन की जरूरत है, क्या ये इंक्लिनेशन हम जानते हैं क्या? यस, इट इज एक्चुअली 45, वेरी गुड, क्योंकि रिमेंबर कोऑर्डिनेट एक्सिस एज ए पैरेलल लाइन है, तो देखो ये वाला लाइन इसके साथ ऑब्वियसली कितना बनाएगा, 45 ही बनाएगा, 45, ठीक है, ये 45 डिग्री है, सिंपल, ये एंगुलर बाइसेक्टर है बेसिकली, है ना, 90 का एंगुलर बाइसेक्टर है। तो अब तो आप सब कुछ है आपके पास, हम जानते हैं कि x1 प्लस इट इज प्लस माइनस, है ना, x इज इक्वल टू x1 प्लस माइनस r दूरी cos 45 1/2 राइट। सिमिलरली y इज y1 प्लस माइनस r sin थीटा 1/2 प्लस किया तो ऊपर की तरफ है तो कितना होगा 3 प्लस 5/2, इधर भी प्लस लेना पड़ेगा 4 प्लस 5/2, तो ये